यार मुझे ना इस टाइम एप्पल वॉच लेने का ना इंतहाई जोर का कीड़ा काटा हुआ है। और मुझे पता है यार, मेरे पास ज़रा से पैसे हो ना, थोड़े जमा हो जाएं सही, मुझे कुछ लेना होता है, मेरी बाइंग स्प्री शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे मैं सर पे हाथ रख के सोच रहा हूँ कि एप्पल वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी या मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। क्या है यार, मतलब क्या है, मतलब सीरीज 3 देखो, सीरीज 4 देखो, सीरीज 2 देखो, 30,000 से नीचे की बात ही कोई नहीं है। मतलब कि हम जैसे गरीब लोग कैसे एप्पल वॉच अफोर्ड कर सकते हैं यार, मतलब कि हमारा थोड़ा ख्याल रखो। ये टेलीनॉर की फ्री की ब्रांडिंग हो रही है। अच्छा लोगों, मैंने अपने कमरे के लिए एल शेप टेबल मंगवाई है, सेटअप बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। अच्छा तो ये बनती है तो फिर आप लोगों को बताते हैं अभी तो इस शेप में। अब कोई चीज लेने का कीड़ा काट रहा हो बड़ी जोर का, आपको पता है आपका भाई किधर आएगा? हफीज सेंटर। हालांकि मुझे, मैं 50% श्योर हूं कि मैं वो लूंगा, लाइक एप्पल वॉच कुछ और ही लूंगा मुझे लग रहा है। बट यार वो जब तक आप हफीज सेंटर में आके रेट शेट्स ना देखें और फिर यार रेट वगैरह ना देखें और जरा चक्कर चुक्कर ना लगाए ना हफीज सेंटर का, मजा नहीं आता। मतलब यार सारी गेम ही मजे की है, बारगेनिंग की है, अच्छा रेट लेने की है। अब सीन ये है कि मैंने लेनी तो है एप्पल वॉच सीरीज 4, बट जेब कहती है सीरीज 3 ले लो या 2 ले लो ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने थोड़े से बाद उसको फेंक देना, मैं यूज नहीं करता इतनी चीजें, तो पैसे देखते हैं जाया करने। यार ट्रस्ट मी, ये जगह जली हुई थी, ये जब खुली है ना मेरे से ज्यादा खुश कोई बंदा नहीं हुआ होगा। तो नीचे के 3-4 फ्लोर खुल गए हुए, तो जब भी डिप्रेस्ड हो ना और अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी का शौक है और ऐसे कुछ लेना भी ना हो तो आ जाया करो यार, ये बड़ा अच्छा आपके स्ट्रेस रिलीवर होता है। ओके गाइस, आप लोग अब क्या सोच रहे होगे कि मैंने एप्पल वॉच ले ली होगी, क्योंकि मैं वी सेंटर से निकल चुका हूँ और वी सेंटर में मैं वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। खैर यार अच्छा, तो मैंने एप्पल वॉच नहीं ली। खैर उसकी जगह एक बड़ी अच्छी चीज़ ली है, बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ ली है। घर पहुंच के आपसे स्कूल से बात करके बात करेंगे क्योंकि मैंने एप्पल वॉच क्यों नहीं ली। ओके बाय। ओके यार ज्यादा ली तो नहीं मैंने कोई एप्पल वॉच, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस अगर तुम लोग इस वीडियो में एप्पल वॉच एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट या आई बॉट दिस, ठीक है। तो अच्छा पहले मैं दिखा दूं तुम्हें वो चीज़ें या पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं? चलो पहले देख लेते हैं। खैर या ब्रो, आई गॉट दिस न्यू चेयर ब्रो, इट्स लाइक वेरी प्रिटी। ओके मज़े की चीज़ है, लैम्बोर्स जो भी कहते हैं इसको, जो कमर की सपोर्ट है वो है इसके अंदर, प्लस इट्स लाइक अ बकेट स्टाइल, आप बैठ सकते हो फॉर द लॉन्ग आवर्स। ये लिया है और एक चीज़ और ली है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। RB650HB 700Q का आदमी थी, सीधी सी बात है, लेता तो भाई चेयर ना आ पाती। खैर इसकी अनबॉक्सिंग एक अलग वीडियो में, सेटअप के टूर के अंदर चेयर को भी दिखाएंगे आपको डिटेल में, बट मोर लेस यही चेयर है मेरी, देख लो अच्छे से ये चेयर है, ठीक है। देखो मेरा एक जगह मोटिव ये था कि मैंने लेनी थी एप्पल वॉच, बट यार एप्पल वॉच मेरी लाइफ में क्या प्रोडक्टिविटी ऐड करती? मुझे फिटनेस के लिए बताती, नोटिफिकेशंस बता देती और मुझे ये बता देती कि टाइम क्या हुआ है। टाइम के लिए मेरे पास घड़ी मौजूद है, फिटनेस के लिए चलो आई कैन गिव इट टू इट के, और दूसरी थ्री लुक्स। देखो अभी कोविड की सिचुएशन है, अभी कहीं बाहर तो जाना नहीं है तो शोधी तो बज नहीं सकती, ठीक है। उसके लिए अगर मेरे पास जो बजट था वो 30,000 का था, दैट मींस कि मैं एक सीरीज 4 40mm या सीरीज 3 42mm ले सकता था। सो उसके अंदर मैंने सोचा, वहां पे जहां मैं लेने गया था, आई वॉज अबाउट टू, मैंने खरीदने लगा था आपका भाई, रुकने वाली चीज तो है नहीं। मैंने वहां पे 2 मिनट रुका यार, मैंने हाथ में पकड़ के उसे सोचा एप्पल वॉच को यार कि विल इट एड द वैल्यू इन माई लाइफ, क्या मैं ये चीजें जो अच्छी चीजें मुझे जिनकी जरूरत है एक्चुअली, क्या मैं वो ले रहा हूँ या मैं एक लग्जरी खरीद रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड यार
साथ ही और बाइंग अ लग्जरी। तो मैंने इस बार सोचा कि यार नहीं, एप्पल वॉच नहीं ले रहा। जो चीज़ें मैंने लेने वाली हैं, जो मैंने आपको दिखाऊंगा या दिखा दी होंगी, मुझे सीक्वेंस ही पता वीडियो का, क्योंकि मैंने ऐसे कभी वीडियोस बनाई नहीं है। दिस इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, सो बेयर विद मी। तो आई एम प्रीटी रिलैक्स ऑन दिस चेयर यार। आई कैन वर्क, आई कैन एडिट, म्यूजिक सुन सकता हूँ हेडफोन्स के लिए के ऊपर, और आई थिंक आई मेड अ गुड डिसीजन। पैसे भी सेव करनी है, प्लस आई प्लान के 2 से 3 महीने बाद नई एप्पल वॉच ली जाए, 6 सीरीज या फिर 5 ले लें, नई वाली चीज ले, ठीक है, या फिर M1 MacBook ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई जान, कुछ भी दिखाया जा सकता है। खैर आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इस वीडियो का कुछ सीक्वेंस का नहीं पता, कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, आई हैव नो आइडिया ब्रो। चलो अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही है तो बता देना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे एक लाल कलर का बटन लोगों को आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना भाई, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, मांग कर देना। ओके भाई, मिलते हैं।